हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू एरा कलेक्शन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्टी वेयर पर वीडियो। देखिए, अब आप लोग ये मत कहिएगा अब इनका पार्टी वेयर स्टार्ट हो गया तो पार्टी वेयर ही खत्म नहीं हो पा रहा है। पार्टी वेयर चलेगा अभी क्योंकि डिजाइन हमने ज्यादा ऑर्डर करे हैं और आप लोग के लिए मुस्तकिल वैरायटी लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के हमारे डिजाइन भी थोड़ा सा यूनिक होने वाले हैं, बिल्कुल डिफरेंट तरह के, आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगे। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारे हैं और जिनको प्रीवियस वीडियो से नहीं मिल पाया उनका मनपसंद पीस आप लोग इसमें से देख सकते हो और आगे भी वीडियोस आ रही हैं, आप उसमें से भी पसंद करके ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास ये होने वाला है एक डार्क ग्रीन शेड में, एक बहुत लाइट बेबी पिंक शेड में है और ये थोड़ा सा इसे क्या कह सकते हैं, ग्रीनिश ग्रे शेड कह सकते हैं वो वाला शेड है। ये ब्लैक शेड हो गया, ये लाइट ब्लू शेड है एंड ये क्रीम शेड में है। ठीक है, सॉरी ऑफ व्हाइट शेड कह सकते हैं, ऑफ व्हाइट शेड में है ये वाला। तो ये मैं आपको सारे दिखाने वाली हूँ आज। देखिए, इसमें कुछ डिजाइन्स तो हमारे पास नेट के हैं, कुछ हमारे जॉर्जेट में है, तो फैब्रिक की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी और आप जो मैं बता रही हूँ आप उसी पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा अगर इनकेस आपको डिजाइन अच्छा लग रहा है तो। ये देखिए, ये ब्लैक कलर में हमारा पीस होने वाला है और ये हमारा है नेक में, मैं आपको बताऊं नेक में है हमारे पास ये वाला डिजाइन। ये देखिए, ये देखिए, ये नेट में है हमारे पास और इसका डिजाइन बहुत खूबसूरत है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो इसमें जरी वर्क है वो सिल्वर कलर का हो रहा है, सिल्वर कलर का जरी वर्क है, प्लस इसमें ये रेशम का काम हो रहा है ब्लैक कलर से। सीक्वेंस वर्क भी जो हो रहा है इसमें, सीक्वेंस का काम है वो भी ब्लैक कलर का है। ठीक है, और ये आप देख रहे हो नेक यहाँ से निकलेगा यहाँ से और अब आप ये फुल नीचे तक वो देख लीजिए इसकी एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग किस तरह की है। ये आप देखिए, ये फुल वर्क है, जो भी आपको ब्लैक कलर पे दिखाई दे रहा है ये फुल वर्क है। ठीक है, ये देखिए, अब ये देखिए इसका नीचे वाला दामन कितना खूबसूरत तैयार करा गया है, सिल्वर कलर की इस पे जरी का वर्क है और पता है बहुत डिसेंट, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप मेरी मानो तो बहुत खूबसूरत लग रहा है और सीक्वेंस वर्क के साथ में तो वो बिल्कुल ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी लुक दे रहा है इसको। अब मैं आपको स्लीव्स दिखा देती हूँ इसकी। ये देखिए, ये स्लीव्स है इसकी और ये हो गए हमारे ऊपर तक एम्ब्रॉयडरी है स्लीव्स पे, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है स्लीव्स इसकी। ये हमारा ब्लैक शेड में ही इसका इनर प्लस बॉटम दोनों का साथ में फैब्रिक दिया हुआ है और ये देखें आप, ये इसके बॉटम के लिए पैच दिया हुआ है, फुल जरी वर्क पैच है इसमें, कुछ और भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है किसी तरह की। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे पास इसमें किस तरह का दुपट्टा है। दुपट्टा भी देखिए नेक में है, ये जो मैंने अभी तक आपको जो डिजाइन दिखाया ये वाला पीस, इसका फैब्रिक नेक है, नेक पर एम्ब्रॉयडरी है और इसका जो दुपट्टा है वो भी नेट एम्ब्रॉयडर्ड है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा पीस है और इसका दुपट्टा मैं आपको बताऊं, ये जो इस पे एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हो दुपट्टे की, एक साइड पे जरी की पूरा काम हो रहा है, ये इसका ओनली वन साइड पर है। ठीक है, तो वो एक साइड से डालने वाला, जैसे कंधे पे डालते हैं एक तरफ से, तो वैसा वाला डिजाइन है। बीच में ये एम्ब्रॉयडरी है इसके, आप देखो फुल एम्ब्रॉयडरी है, ब्लैक कलर से है तो बेबी इस वजह से ना विजिबल हो। ठीक है, आपको ये दिखा दिया मैंने, नेट का है, लेंथ एंड वेथ इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, लेंथ एंड वेथ में कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इनकी लेंथ एंड वेथ कम होती है तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैं अपने आप ही बता देती हूँ। तो चले, हमारा ये ब्लैक पीस तो हो गया इस वीडियो का और मैं अब आपको दिखा देती हूँ हमारे पास एक नेट में दूसरा भी पीस है, फिर हम लोग आपको ना जॉर्जेट पे दिखाएंगे। पहले नेट वाले में आपको दोनों पीस कवर कर रही हूँ। ये हमारा बेबी पिंक शेड है नेट में, देखिए टॉप क्या है, बटरफ्लाई नेक विद हैवी एम्ब्रॉयडरी, इनर प्लस बॉटम जो है शंतून विद बॉटम का एम्ब्रॉयडर्ड पैच भी आपको दिया है। दुपट्टा इसका बटरफ्लाई नेक में है, हैवी एम्ब्रॉयडरी दुपट्टे पर भी है। ये देख लीजिए आप लोग, इसका जो मैं आपको बताऊं फैब्रिक जो है इसका वो नेट है, ये देखें इसका बहुत डिसेंट है। आप लोग जैसे अगर वेडिंग के लिए अपनी डॉटर्स के लिए कुछ बनाने के लिए देख रहे हो तो ये परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी डिजाइनिंग हो, इसको बनने के बाद लुक अच्छा आएगा। अभी तो फिलहाल आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैसा है, बट बनने के बाद जब ये लुक आएगा इसका तो बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, और बिल्कुल कोटी स्टाइल का लुक आ जाएगा इस एम्ब्रॉयडरी की वजह से। ये देख लीजिए आप, बहुत सोबर एम्ब्रॉयडरी है, लाइट बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं है, मैं आपको बताऊं है ना, लग आपको हैवी रहा होगा कि बहुत हैवी काम है, बट इसमें बिल्कुल वेट नहीं है।
और बहुत अच्छा है। आप ये देख लीजिए, इसमें ये जरी प्लस रेशम का काम हो रहा है पूरा, ठीक है। वाटर सीक्वेंस वर्क भी हो रहा है इसमें। ये स्लीव्स हो गई इसकी, सेम बेबी पिंक शेड में, बहुत लाइट शेड में इसका बॉटम प्लस इनर का फैब्रिक दिया हुआ है ये। और मैं आपको दिखाऊं दुपट्टा, दुपट्टा इसका दूसरे शेड में है, पिंक शेड में दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा इसका मैरून शेड में है। जैसा कि मॉडल पिक्चर में आपने देख ही लिया होगा, थोड़ा सा अलग है। ये पैच दिया हुआ है साथ में, ये देखिए। और ये मैं जो आपको दुपट्टा दिखा रही हूँ, इस पे फुल थ्रेड वर्क हो रहा है और बहुत ही डिसेंट लुक में दुपट्टा है इसका। मैरून शेड है दुपट्टे का। एंड ये देख लें, दोनों तरफ बोथ साइड्स पर एम्ब्रॉयडरी है दुपट्टे के, एंड बीच में भी स्मॉल स्मॉल एम्ब्रॉयडर्ड बूटे पड़े हुए हैं। ये देखें, लेंथ एंड विड्थ भी अच्छी है दुपट्टे की। विड्थ एक्चुअली बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं बिल्कुल स्टॉल टाइप का दे दिया है, विड्थ अच्छी है बहुत, ठीक है। ये आप देख लें, फुल एम्ब्रॉयडर्ड है ये, ठीक है। तो हमने आपको ये बेबी पिंक शेड भी दिखा दिया है। और अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ, फोर पीस हमारे जो इस वीडियो में आएंगे वो आपको मिलेंगे जॉर्जेट फैब्रिक में। तो अब यहाँ से हमारे पास जॉर्जेट फैब्रिक वाले डिजाइन स्टार्ट है। ये आप देख लें, ये हमारे पास डार्क ग्रीन शेड में पीस होने वाला है। ये ऐसे है कि लाइट एंड वेट है, बट जो लुक इनका है वो प्रॉपर हैवी लुक है। आप देख लें, अगर आपको डिसेंट पार्टी वेयर चाहिए तो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, है ना। इतना ज्यादा हैवी तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हैवी फंक्शन में पहन कर जाएं, बट अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये देखिए, यहाँ से नेक वाला पार्ट बनेगा इसका, और ये फुल इस पे कम्प्लीटली एम्ब्रॉयडरी है। ये गोल्डन कलर का फुल इसमें जरी काम है, ये आपको सब रेशम का काम मिलेगा, ठीक है। ये सब जो भी है, ये रेड कलर है और ये इस पे लाइट ग्रीन शेड है, तो डार्क ग्रीन पे रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, ये देख लीजिए। और ये आप देख रहे हो, ये इसका बॉर्डर है जो कि फुल गोल्डन कलर से इस पे जरी वर्क हो रहा है, और गोल्डन शेड का ही ऑर्गेन्जा है, तो ऑर्गेन्जा गोल्डन है, उस पे गोल्डन ही जरी वर्क है, तो बिल्कुल एक अलग लुक आ रहा है। अब ये आप चेक करें, ये साइड में स्लीव्स हैं, कंबाइंड दे दी हैं, दोनों साइड्स पे नहीं देके इनको, इसको स्लीव्स को एक ही साइड पे दे दिया है। सीक्वेंस वर्क है प्लस रेशम का काम हो रहा है इस पे। और आप ये देखिए कि डार्क ग्रीन शेड में इसमें बॉटम प्लस इनर का फैब्रिक भी दिया है, ठीक है। तो कंबाइंड फैब्रिक आपको दे दिया है। अच्छा नहीं, ये इसमें बॉटम का फैब्रिक नहीं है, बॉटम का आपको बिल्कुल अलग दिया है डिफरेंट शेड में। ये देखें, ये शंटून है, गोल्डन शेड है इसका, गोल्डन शेड में ये बॉटम का फैब्रिक है, ठीक है। और ये वाला जो है ये इनर का फैब्रिक दिया हुआ है आपको। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका दुपट्टा किस टाइप का है। ये देखिए, ये पहली बात तो ये पैच दिया हुआ है हमारे हमारे पास गोल्डन कलर का पैच आया हुआ है। ये देखें, ये आपका बॉटम पे लगेगा, ठीक है। और ये रेड शेड में फ्लावर्स जो मैंने आपको बताए थे कि शर्ट पे फ्लावर्स है रेड कलर के, उससे मैचिंग का ये दुपट्टा दे दिया है। ये देखें, ये दुपट्टा है उसी से मैचिंग का। ये एक तरफ इस पे एम्ब्रॉयडरी है, बाकी बीच में फुल जरी के बूटे पड़े हुए हैं। और दुपट्टा नाजनीन फैब्रिक में है, जॉर्जेट अगर आप ड्रेस देखोगे उस पे ये नाजनीन फैब्रिक में आपको दुपट्टा मिलेगा, और कम्प्लीटली जरी वर्क से एम्ब्रॉयडरी हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा जो दूसरा डिजाइन है। ये देखें, ये कलर थोड़ा सा ऐसा है कि मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, बट आप कलर खुद देख लीजिएगा। इसमें जो आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट ही आ रहा होगा, बिकॉज ये मेरा फोन नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा ये है कि कलर्स इस वाले फोन में अच्छे आ जाते हैं। ये देखिए, ये आप देखें, इसका थोड़ा सा डिजाइनिंग इस तरह का है कि आपका नेक वाला पार्ट यहां से बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ये एक ऊपर आएगा डिजाइन एम्ब्रॉयडरी का पैच जो है, और ये देखें, ये फुल फिर साइड से एम्ब्रॉयडरी का डिजाइनिंग है। इस पे ये फ्लावर्स हैं, पिंक प्लस येलो शेड के फ्लावर्स हैं, बाकी का ये फुल सिल्वर कलर का जरी का काम हो रहा है इस पे। ये नीचे बॉर्डर है इस पे, फुल जरी का एंड रेशम का वर्क हो रहा है, ठीक है। और ये स्लीव्स हैं इसकी, दोनों साइड पे एक एक स्लीव है इसकी। ये देख लीजिए स्लीव किस तरह की है, स्लीव पर भी सेम एम्ब्रॉयडरी है, सेम कलर में शंटून का फैब्रिक आपको दिया है, इनर प्लस बॉटम का फैब्रिक है ये। और अब मैं आपको दिखा दूं इसका दुपट्टा किस तरह का है।
ये पैच दिए हुए हैं इस पे, दो सिलसिले दिए, ये स्ट्रेट लगेंगे बॉटम पे आपके या पैंट पे स्ट्रेट लगेगा, ठीक है। या फिर आप ये इसको स्लीव्स पे भी लगवा सकते हो, जैसे भी आपकी जहां भी मर्जी हो। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा कि ये इस पे लगा हुआ है, बट आपके ऊपर है, आप जहां भी लगवाना चाहें। इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा अच्छा है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा फाइन एम्ब्रॉयडरी है, पूरा सिर्फ जरी का काम है दुपट्टे पे। बेबी पिंक शेड है दुपट्टे का, है ना, और दोनों साइड्स पर एम्ब्रॉयडरी है, और बीच में जितना भी आप देख रहे हो ये सिल्वर कलर का, ये सब इस पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है। डिसेंट शेड है, लड़कियों के पर्पज से, लड़कियों के मतलब से बहुत अच्छा है, सोबर है कलर इसका। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा जो ऑफ व्हाइट शेड में आया हुआ है, क्रीम शेड जो है। आप पहले इसका डिजाइन देख लीजिए, ये देखिए, ये हमारा ऑफ व्हाइट शेड में ही ड्रेस होने वाला है, ठीक है। और ये जितना भी आप इस शेड पे देख रहे हो, क्रीम शेड पे देख रहे हो जो भी, वो ये सब एम्ब्रॉयडरी है, ये सब इसमें जरी का काम भी हो रहा है। तो जरी का काम जो है वो कॉपर कलर है, वो गोल्डन कलर है, और ये डार्क पिंक एंड लाइट पिंक एम्ब्रॉयडरी है फ्लावर्स की, बाकी सब इसमें सीक्वेंस वर्क हो रहा है। ये आप डिजाइन चेक कर लीजिए नीचे तक, ये देखिए, ये सब जितना भी है ये सब इस पे एम्ब्रॉयडरी है, बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी है इस वाले पीस पर। देखिए कलर लाइट है और उस पे मल्टी कलर एम्ब्रॉयडरी है, इसलिए अच्छा भी लग रहा है और एम्ब्रॉयडरी बहुत अट्रैक्टिव भी लग रही है, क्योंकि वो एकदम हाईलाइट होके सामने आ रही है ना। और ये आप देख लीजिए, ये स्लीव्स हैं इसकी। बैक देखिए, इन सबकी प्लेन है, बैक पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है। अगर इनकेस एम्ब्रॉयडरी होती तो मैं आपको दिखा देती। ये हमारा इनर प्लस बॉटम का फैब्रिक है शंटून में। ये हमारा दुपट्टे का कलर है, मैजेंटा शेड है इसका। ये फुल जो है उस पर काम देख रहे हो ना, ये सब इस पे जरी प्लस सीक्वेंस वर्क हो रहा है। मैं आपको एक बार करीब से भी दिखाऊं। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे ये खाली है, इस पे ये कुछ डिफेक्ट है, नहीं, इसका डिजाइनिंग ही ऐसा है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अच्छा ये एम्ब्रॉयडरी जो है, ये फुल जो हो रहा है, ये एक ही साइड पर है दुपट्टे के, तो ये वन साइड वाला है। आप देख लीजिए इसको एक बार, लेंथ एंड विड्थ भी अच्छी है, दुपट्टे का फैब्रिक नाजनीन है, और ये बीच में फुल ये सीक्वेंस वर्क का इस पे बूटे पड़े हुए हैं। अब आता है हमारा लास्ट डिजाइन इस वीडियो का, ये देख लीजिए, ये हमारा एकदम लाइट ब्लू शेड में होने वाला है पीस। ये देखिए, ये भी हमारा फैब्रिक जॉर्जेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब लास्ट के फोर डिजाइन जो हमारे हैं वो जॉर्जेट फैब्रिक में है, तो आप इसको चेक कीजिए। यहाँ से तो नेकलाइन बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा वो पैटर्न है कि बीच में पाइपिंग लगा के ऑलरेडी डिजाइनिंग करी हुई है आपकी। और ये जो आप देख रहे हो, ये इसमें बीड्स भी लगे हुए हैं, ये सब देख रहे हैं आप, बीड्स हैं, पीच प्लस ग्रीन शेड है इसमें। ये देखिए, ये फुल इस पे एम्ब्रॉयडरी है, कलर बहुत डिसेंट है एक्चुअली, है ना। और इसमें ये देखिए, ये सब बीड्स लग के तैयार हुआ है, पूरा डिजाइन है, फुल रेशम का काम है इसमें। अच्छा मैं आपको बताऊं, डिसेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि रेशम का वो जरी का इसमें काम नहीं है, इसमें फुल रेशम का काम है, तो कलर्स भी इतने ज्यादा नहीं यूज करे हैं कि जो बहुत ज्यादा ब्राइट लगे, है ना। तो गर्ल्स के पर्पज से या फिर आप लोगों को अच्छा लगता हो ये कलर, तो बहुत परफेक्ट पीस रहेगा क्योंकि डिसेंट है बहुत। आप किसी के घर मिलने मिलाने जाएं या फिर आप कोई बहुत लाइट पार्टी फंक्शन अटेंड कर रहे हो, तो उसमें आपको अच्छा लगेगा। ये स्लीव्स हो गई हैं इसकी, और ये लाइट ब्लू शेड में ही, सेम शेड में इनर प्लस बॉटम का फैब्रिक दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ अब इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा हमारे पास जो दिया हुआ है वो नाजनीन फैब्रिक में है। चेक करते हैं किस टाइप का है। नाजनीन फैब्रिक में है, और ये आप देखें, ये इसकी इसका किनारी आ रही है, ठीक है, एक तरफ से साइड है ये इसकी, ऑलरेडी कटिंग है। अगर आप पैच लगवाते हैं तो ऐसे ही उसको स्टिच करवाते हैं, ऐसे ही सेम कटिंग करके उसको स्टिच कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते हैं पैच कैसे होता है, तो आप ये देख लीजिए, और ये सब बीच में बूटे हैं, तो एक ही साइड पर ये जो एम्ब्रॉयडरी है दुपट्टे की, एक ही साइड पर है, क्योंकि एक ही तरफ से ये आई थिंक डालने वाला होगा, बीच में ये एम्ब्रॉयडरी के बूटे हैं।
बाकी ये है कि एम्ब्रॉयडरी इसकी फाइन है और दुपट्टा आप सर से भी ओढ़ सकते हो। जैसे कि आप लोग पूछते हो ना कि सर से हम सरकेगा तो नहीं, अगर हम ओढ़ेंगे तो नहीं बिल्कुल नहीं सरकेगा। ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक होता है, आप इसको इजीली ओढ़ सकते हो, है ना। तो अगर आपको इनमें से अच्छा लग रहा हो तो आप इसको मुझे स्क्रीनशॉट लेके सेंड कीजिए। कोई भी इसमें से अच्छा लगे आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास वैरायटी इस वक्त बहुत ज्यादा है, तो हमने मोस्टली एक एक डिजाइन को दो दो पीस या तीन तीन पीस ही मंगवाया है। तो उसमें यह है कि अगर इन पीस आपको नहीं मिल पाया है तो आप इस वीडियो में से ले लीजिए, अगर आपको प्रीवियस वीडियो से नहीं मिल पाया है, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो का भी देख सकते हो। तो इस वाले वीडियो में सारे डिसेंट शेड्स थे, सोबर शेड्स थे। तो आपको वीडियो में चला कि हम ला रहा है, व्हाट्सएप नंबर एंड कॉलिंग नंबर दोनों मेंशन है डिस्क्रिप्शन में भी एंड टाइटल में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल।